जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र कल हमने सुना था, कैसे पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज पूज्य बाबा के मध्य में बातचीत हुई। आइए अब अगले दिन का सुनते हैं। अगले दिन पूज्य श्री महाराज जी ने तय कर रखा था, आज नहीं जाना है, इसलिए कि बाबा को दस्त लग रहे हैं, बहुत अस्वस्थ हैं तथा थके हुए हैं। श्री ठाकुर जी से उन्होंने कह भी दिया कि आज का बैठना स्थगित रखना चाहिए तथा बाबा सो जाएं, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने भी प्रयास किया, फिर भी पूज्य बाबा ने श्री महाराज जी को बुला ही लिया। पूज्य महाराज जी के आने पर श्री घनश्याम दास ठाकुर जी ने श्री महाराज जी के भावों की आवृत्ति करते हुए पूज्य बाबा से कहा, आपको आराम देने की दृष्टि से पूज्य श्री महाराज जी ने नहीं आने की बात तय कर रखी थी। पूज्य बाबा लेटे हुए थे, लेटे लेटे उन्होंने श्री ठाकुर जी से कहा, श्री महाराज जी के पास बैठने से ही मुझे वास्तविक आराम मिलता है। इतना कहकर पूज्य बाबा उठ गए और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में तथा विनोद के स्वर में श्री महाराज जी से पूछा, क्या मैं बुलाऊं तो आप नहीं आइएगा? गदगद हृदय श्री महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर बोलकर भला क्या देते। उनके भाव भरे सजल नयन बिना बोले ही बहुत अधिक बोल रहे थे। अगले वर्ष सन 1977 को पूज्य महाराज जी वृंदावन से गीता वाटिका 17 सितंबर को पधारे। प्रातःकाल पूज्य महाराज जी जब पूज्य बाबा से मिलने के लिए कुटिया पर गए, उस समय का भाव भरा दृश्य बड़ा ही भव्य था। पूज्य महाराज जी ने पूज्य बाबा पर पुष्पों की वर्षा की। किसी को पता ही नहीं था कि पूज्य महाराज जी अपने आंचल में पुष्प छिपाकर लाए हैं। भावार्चन के इस दृश्य को देखकर सब आनंद में डूब गए। इसी मिलन के समय पूज्य बाबा ने श्री ठाकुर जी से पूज्य महाराज जी के सामने ही कहा, ठाकुर मैं चाहता हूँ कि श्री महाराज जी से एकांत में बात करूँ, जिससे मन की कुछ बात कह सकूँ और कुछ सुन सकूँ। तुम्हारे और श्री महाराज जी के अतिरिक्त बस एक दो व्यक्ति और हों। इसके बाद ऐसा संयोग बना और ब्रज भाव की चर्चा प्रारंभ हुई। ब्रज भाव की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में ब्रज भाव अवतरित होता है, उस जीवन की कल्पना जगत के साधारण प्राणी कर ही नहीं सकते। न वह स्थूल जगत में रहता है और न उसके सामने स्थूल जगत रह जाता है। पूज्य बाबा ने कहा, श्री पोद्दार महाराज के पास पहले श्री रघु जी को 22-22 घंटे तक अनवरत रोते देखा है। इससे भी अधिक अप्रतिम उदाहरण है श्री चैतन्य महाप्रभु जी का, जिनकी अश्रुधारा 12 वर्ष तक सूखी ही नहीं, वे अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष तक रोते ही रहे। अगले दिन पूज्य बाबा श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए श्री गिरिराज परिसर में आए। तब किसी कारण से परिक्रमा किए बिना ही अपनी कुटिया पर लौट गए और ठाकुर जी से पूज्य बाबा ने कहा, अभी परिक्रमा आरंभ करने में किसी कारण से थोड़ा विलंब है, इसलिए वहां जाकर लौट आया। इस अवधि में तब तक तुम एक पद सुनाओ। पूज्य बाबा के कहने पर श्री ठाकुर जी ने गाया कि चलो री आज ब्रज राज मुख निरखिए, लोक की लाज से कहा काज सरे गो, बहुरी को कहे गो श्याम की ढींग आई, याहू ते अधिक को और कहा कहे गो, नाचिबे लगे तो फिर घूंघट कहाँ, सूर रन चढ़े पे कौन ते डरे गो, निरखिए रूप नारायण या श्याम को, बहुरी ऐसो सखी दाव कब हूँ परे गो। यह पद सुनते ही पूज्य बाबा के मन ने जगत का धरातल छोड़ दिया। पूज्य बाबा को परिक्रमा करने के लिए जाना था,
अतः थोड़ी देर बाद श्री ठाकुर जी ने स्मरण दिलाया, पर पूज्य बाबा तो कहीं अन्यत्र थे। बड़ी कठिनाई से पूज्य बाबा परिक्रमा करने के लिए आए, यंत्रवत सारा कार्य किया, पर रहे खोए खोए ही। बाद में इस सब की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने पूज्य महाराज जी को बतलाया, ठाकुर के गाने से जो रंग चढ़ा वह शमित हुआ 3 बजे, 4 घंटे तक नशा बना रहा। यदि मिलने वाले नहीं आए होते और मेरी चित्तवृत्ति को उन्होंने नहीं झकझोरा होता तो 4 घंटे क्या, न जाने कब तक वह रंग चढ़ा रहता। अगले दिन जब पूज्य महाराज जी पूज्य बाबा के पास पहुँचे तब पूज्य बाबा विश्राम कर रहे थे। वे चुपचाप पूज्य बाबा के पास बैठ गए। पूज्य बाबा जमीन पर बिछाए हुए अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। पूज्य बाबा के मुख पर बिजली की ट्यूबलाइट का प्रकाश पड़ रहा था, उसको तो पूज्य महाराज जी ने बंद करवा दिया। श्री चोपड़ा जी और श्री गुरुचरण जी वस्त्र से मच्छर उड़ाने लगे तथा श्री ठाकुर जी पूज्य बाबा के पैर दबाने लगे। पूज्य महाराज जी भी चुपचाप बैठे रहे और रह रह करके संकेत कर रहे थे कि ऐसा कोई शब्द न हो जिससे कि पूज्य बाबा की नींद उचट जाए। भले ही संत सोए हों, उनके समीप बैठे रहना भी सत्संग है। अपनी उसी मान्यता का प्रत्यक्ष उदाहरण पूज्य महाराज जी अपनी सतत उपस्थिति से प्रस्तुत कर रहे थे। लगभग 1.25 घंटे तक पूज्य महाराज जी चुपचाप बैठे रहे। इसी बीच जब श्री ठाकुर जी पूज्य बाबा का पैर दबा रहे थे तो पूज्य महाराज जी अपने हाथ के इशारे से श्री ठाकुर जी को कहने लगे, मेरी चाह है कि श्री बाबा के चरण मैं दबाऊं। श्री ठाकुर जी पूज्य बाबा की भावनाओं तथा मर्यादाओं से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर इस प्रसंग को टाल दिया। लगभग 1 घंटे बाद खांसी आ जाने के कारण पूज्य बाबा की नींद भंग हो गई। अपने पास श्री महाराज जी को देखकर पूज्य बाबा ने कहा, इस प्रकार का निर्मल स्नेह, इस प्रकार का अहेतुक प्यार जगत के धरातल पर देखने को कहाँ मिलता है। 22 अक्टूबर 1977 को पूज्य श्री महाराज जी ने श्री धाम वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। अगले वर्ष श्री ठाकुर जी वृंदावन से 1 मास पूर्व नवंबर के आरंभ में ही गोरखपुर आ गए, क्योंकि बाबा आगामी 6 दिसंबर 1968 से मौन व्रत लेने वाले थे। उसके बाद पता नहीं क्या परिस्थिति बने और पता नहीं महाराज जी के साथ फिर सम्मेलन संभाषण हो पाए या नहीं। बाबा के मौन हो जाने की संभावना से पूज्य श्री महाराज जी को बड़ी व्यथा हो रही थी। श्री ठाकुर जी का यह प्रयास था कि यदि बाबा से कोई समाधान मिल जाए तो श्री महाराज जी को बहुत संतोष हो जाएगा। श्री ठाकुर जी अवसर की टोह में थे, तभी बाबा के नाम श्री महाराज जी का पत्र वृंदावन से आया। इस पत्र को पूज्य बाबा के सामने पढ़ते समय श्री ठाकुर जी को कुछ देखने सुनने को मिला। वह सब समाचार लिख करके पूज्य श्री महाराज जी के पास वृंदावन भेज दिया। उस पत्र से पूज्य श्री महाराज जी को संतोष नहीं हुआ। इसके बाद वृंदावन से आदरणीय श्री देवी जी का एक पत्र श्री ठाकुर जी के पास गोरखपुर आया, वह इस प्रकार है। श्री राधा, श्री घनश्याम जी, जय राधे। आपका स्वास्थ्य ठीक ही होगा। पूज्य श्री महाराज जी के स्वास्थ्य के संबंध में तो मैं आपको लिख ही चुकी थी, पत्र आपको मिला ही होगा। अभी भी पूज्य श्री महाराज जी का ब्लड प्रेशर तथा शुगर कंट्रोल में नहीं है। जब तक वहाँ से पूज्य श्री बाबा का सांत्वना युक्त उत्तर न आ जाएगा तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। रात को 2-3 घंटे क्या, 1 घंटा भी सुख से नहीं सोते। आपको तो मालूम ही है उनका स्वभाव, जिस बात की चिंता हो जाती है बस उसी में निमग्न रहते हैं। आज श्री बंका जी का पत्र आया, बड़ी ही उत्सुकता से सुना, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। सांत्वना में उत्तर कुछ स्पष्ट रूप से नहीं था। उनकी इच्छा है किसी भी प्रकार से पूज्य बाबा से स्पष्ट उत्तर मिल जाए। जिस समय पूज्य माँ पूज्य श्री भाई जी की धर्मपत्नी से
मिलकर आते हैं, वह समय एकांत का रहता है, अथवा और कोई समय निकालकर आप स्पष्ट उत्तर लेने का प्रयास करें। मैं तो क्या बताऊं, आप यहां उपस्थित रहते तो देखते श्री महाराज जी की दशा, बहुत ही चिंतित रहते हैं तथा रस निमग्न घूमकर आते हैं, मानो कहीं नशा करके आए हैं। इन बातों का लिखना ही क्या, आपको सब पता ही है। श्री महाराज जी की बस यही इच्छा है कि मेरे पत्र के उत्तर में स्पष्ट रूप से बाबा कुछ कहें जो कि सांत्वना युक्त हो। ऐसी कोशिश आप तथा श्री बंका जी ही कर सकते हैं। आप प्रयत्न कर ही रहे होंगे, यदि इस विषय में कुछ भी प्रसंग श्री बाबा ने न चलाया अथवा कुछ भी कहने का अवकाश न मिला और मौन हो गए, तो भी महाराज जी की क्या मनोदशा होगी, वह तो कल्पना के परे की बात होगी। बहुत ही अशांत हो जाएंगे। पत्र सुनकर कह रहे थे, अब वह क्या उत्तर देंगे, सब समय ही कहाँ है, अब समय ही कहाँ है, 5-6 दिन का समय बाकी है। बड़े गंभीर भाव में तथा चिंतित रूप में आज दिख रहे हैं। पत्र सुनते हुए भी लाल लाल मुख हो गया था। पत्र सुनने के पश्चात प्रफुल्ल होना था, परंतु और भी उदास से हो गए। इसका समाधान तो बिहारी जी ही जाने, हम तो ऊपर से सिर्फ दृश्य देख रहे हैं, यह जाने और वह जाने। पूज्य श्री बाबा के चरणों में प्रणाम कहेंगे, मौन होने के पहले स्पष्ट रूप से बातचीत करने का अवश्य अवश्य अवसर निकालना। गोरखपुर से प्रत्युत्तर स्वरूप एक पत्र भेजा गया, जिसका कुछ अंश इस प्रकार है। कल जो श्री देवी जी का पत्र आया, उसे पढ़कर हम सभी लोग बड़े विकल हो उठे। श्री देवी जी वाला पत्र श्री चोपड़ा जी को दे दिया गया कि अवसर मिले तो बाबा से बात कीजिएगा। मध्य रात्रि के समय बाबा के सोने से पहले श्री चोपड़ा जी ने वह पत्र बाबा को दिखलाया। बाबा ने कहा, ठाकुर को बुलाओ। श्री चोपड़ा जी ने कहा, वे तो संभवतः सो गए होंगे। बाबा ने कहा, मैं भी तो जग रहा हूँ, जाओ उसे बुला लाओ। श्री चोपड़ा जी ठाकुर जी को बुला लाए। ठाकुर जी के आते ही बाबा कहने लगे, ठाकुर, देवी जी के इस पत्र को सुनकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस प्रकार श्री महाराज जी के हृदय में अपनी भीतरी बात उतार दूँ। यह कभी संभव ही नहीं कि उनसे मेरा अलगाव हो। अब तुम यह बताओ कि वे चाहते क्या हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, आप इस मौन का पर्यवसान महाप्रस्थान के रूप में होगा। आपके इस मौन का पर्यवसान महाप्रस्थान के रूप में होगा, इसे सुनकर श्री महाराज जी अति व्यथित हैं। आपने कहा था कि मेरा शरीर अभी कई वर्ष रहेगा। आपके कथन के अनुसार आपकी अवस्थिति बनी रहे, सर्वप्रथम श्री महाराज जी यही बात चाहते हैं। बाबा ने कहा, ठाकुर, मैं कैसे कह दूं कि मेरा शरीर रहेगा ही। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि इस कठोर मौन व्रत के लिए नील सुंदर ने मेरा आह्वान क्यों किया है। मैंने उनसे कह भी दिया था कि वे मुझे आह्वान का हेतु न बतलाएं। अधिकतम संभावना है कि 7 दिसंबर को वह हेतु मुझे बतला दिया जाए। इस मौन की अवधि में मेरा शरीर रहेगा या नहीं, ये दोनों ही संभावनाएं सर्वथा समान हैं। ठाकुर जी ने बाबा से पूछा, मौन लेने के हेतु का परिज्ञान आपको दिसंबर के बाद हो जाएगा। 7 दिसंबर के बाद आप उस हेतु को नहीं बतला सकते क्या? बाबा ने कहा, मैं इस प्रकार का कोई संकल्प लेकर मौन लेना नहीं चाहता। जब विदाई ही लेनी है, फिर किसी प्रकार का संकल्प मन में क्यों हो और किस लिए रहे। ठाकुर जी ने पुनः निवेदन किया, श्री महाराज जी की व्यथा का दूसरा हेतु है कि आप मौन के बड़े कठोर नियम ले रहे हैं। यदि इसमें थोड़ी शिथिलता रहे तो सभी को कुछ समाधान हो जाएगा। बाबा ने समझाने का प्रयास किया, जिस महान हेतु के लिए मेरा आह्वान किया गया है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित न हो, इसी कारण नियमों की यह कठोरता है। यह बात मेरे बस की नहीं है कि मैं नियमों में ढील दे दूं। पुनः प्रातःकाल ठाकुर जी के आते ही बाबा ने बात छेड़ दी। ठाकुर, रात भर मुझे श्री महाराज जी की चिंता बनी रही।
महाराज जी को कैसे विश्वास दिला दूं कि मैं उनसे अलग होऊंगा ही नहीं। मेरा और उनका जो संबंध है यह अचिंत्य है। मैंने उनको जिस दृष्टि से देखा है, दृष्टि की वह निर्मलता और पवित्रता ज्यों की त्यों है। महाराज जी को मैं जिस स्तर से देखता हूँ वह मेरा हृदय ही जानता है। उनसे कभी वियोग की संभावना है ही नहीं। यह मैं कैसे बताऊं कि श्री महाराज जी की व्यथा से मेरा मन कितना विकल है। पर एक बात सही है कि भगवान श्री कृष्ण उनके जिज्ञासा का अवश्य समाधान करेंगे। बाबा बार बार कह रहे थे कि शरीर के बने रहने अथवा चले जाने के संबंध में दोनों संभावनाएं समान हैं, पर बाबा द्वारा ऐसा कह दिए जाने के बाद भी उनके कहने के ढंग से तथा उनके मुख की मुद्रा से यह स्पष्ट लग रहा था कि अभी बाबा का शरीर रहेगा। बस बाबा शब्दों में स्वयं को बांधना नहीं चाह रहे थे। बातचीत से इस प्रकार की आशा की कुछ किरणें तो बिखरी ही हैं और एक प्रकार से प्रच्छन्न आश्वासन मिला ही है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। सखी ये कैसी भूल भई, सखी ये कैसी भूल भई। लिखन लगे पाती पिय कोल, लिखन लगे पाती पिय कोल, दाढ़ में कलम नहीं। सखी ये कैसी भूल भई, सखी ये कैसी भूल भई। भूली निज सरू तप हम तुर तई बन घनश्याम गई, विरह विकल बोली पुकार हारा धे ते गई। सखी ये कैसी भूल भई, सखी ये कैसी भूल भई।
चिट्ठी लिखी प्रिय हृदयेश्वरी सुमधुर सुरसमयी प्राणाधिके बेगिया तुम नेह कल विजयी सखी ये कैसी भूल भई सखी ये कैसी भूल भई खड़े होते आए मन मोहन मोतन दृष्टि हसे ठठाय चित न जागी हम शर्मा गई सखी ये कैसी भूल भई सखी ये कैसी भूल भई जय श्री राधे पूज्य श्री